हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। विजडम एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आपके लिए पार्ट 5 वीडियो लेके आए हैं। कल डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ में क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 में 22 का एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 22 का दो नंबर, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। देखेंगे, कह रहा है कि दिया है, मतलब गिवेन, sec थीटा बराबर 13/12। तो sec थीटा जो होता है वो cos का उल्टा होता है। तो cos का उल्टा आधार बटा कर्ण होता है, तो sec का उल्टा cos का उल्टा sec होगा, तो इसका होगा कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c और यहाँ पे हम थीटा लेंगे, तो ये हमारा कर्ण होगा। तो फिर आधार हमारा कौन हो जाएगा, और हमको निकालना पड़ेगा लंब। चलिए लंब निकाल देखते हैं। यहाँ पे लंब निकालेंगे यहाँ से, तो फॉर्मूला होता है लंब का, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान आपका कितना है, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान आपका 13 के स्क्वायर और ये आपका 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर 169 होता है और 12 के स्क्वायर 144 होता है। हम इसका मतलब हम घटाएंगे कितना होगा, 25 होगा और इसका वर्गमूल 5 होगा और यहाँ पर आप लिख दी 5। अब चलते हैं उसके आगे। कह रहा है कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या कर रहा है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें एक दे दिया है, 5 निकालना है। चलिए बच्चों देखते हैं। पहले साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा फॉर्मूला होता है आपको लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब आपका कितना होगा, ए बी होगा और कर्ण आपका कितना होगा, ए सी होगा। तो इसका मान हो जाएगा 5/13 और ये आपका हो जाएगा। ठीक है, दो नंबर हो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो होता है वह क्या होता है बाबू, आधार बट्टा कर्ण। ठीक है बच्चों, तो आधार का मान, तो नीचे वाला आधार, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब होता है, नीचे आधार होता है और एक कर्ण होता है, तो आधार बट्टा कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण के मान मतलब बी सी बट्टा ए सी। तो बी सी का मान 12, इसका मान 13 और ये आपका हो जाएगा। सही है, एकदम ध्यान से देखिए बच्चों, जहां भी समस्या हो मतलब आ जाए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इसमें लंब आपका क्या होगा, ए बी बटा बी सी, 5/12 और ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत आसान है। चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा है कॉट, कॉट थीटा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, बताया आपको। फॉर्मूला आपको जानना है तो आप लोग पार्ट 1 वीडियो त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमकाएं देखिए,
उस पूरे सर फॉर्मूला को हम लिखाए हैं और वहां से याद करिए, आधार बटा लंब। आधार का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी आधार का जो है की जगह कौन है बीसी, लंब का लंब, लंब आपका ए बी, बीसी का मान कितना हो जाएगा 12 और इसका मान हो जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए 5 नंबर देखते हैं, कॉट के बाद होता है सेक, तो सेक का मान तो ऑलरेडी दे चुका है, अब आपको निकालना पड़ेगा कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक जो होता है वह होता है किसके, तो साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक का मान लंब, साइन का मान लंब बटा कर्ण होगा, यहाँ पे क्या होगा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण का मान ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी बराबर यहाँ देंगे तो उल्टा कर देंगे इसको 13/5 ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 22 का 3 नंबर, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं 22 का 3 नंबर बोल रहे थे लेकिन 23 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। लिखेंगे गिवन क्या दिया है बाबू, कॉसेक थीटा बराबर रूट तक, नीचे क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, क्योंकि कॉसेक हमने बताया कि कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा लंब बटा कर्ण होता है, तो कॉसेक का उल्टा कर्ण बटा लंब होगा। हम बनाएंगे यहाँ पर ट्रायंगल, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी और यहाँ पर थीटा ले लेंगे और यहाँ आपका कर्ण का मान रूट 10 होगा और आपका लंब का मान 1 होगा, आपको निकालना पड़ेगा 18। चलिए 18 निकाल के देख लेते हैं, यहाँ पे आपका बी सी बराबर अंडर रूट, अब फॉर्मूला देखते हैं पहले, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो इसका मान कितना होगा बी सी बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी का मान कितना है रूट 10 का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर का मान 1 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बच जाएगा 10 माइनस 1, ठीक है, घटेगा तो 9, वर्गमूल कितना होता है 3, यहाँ ले देंगे। अब कहता है कि थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को सॉल्व करना है, तो कॉसेक दे दिया है आपको 5 याद करना है, तो चलिए साइन थीटा निकालते हैं, पहला नंबर तो साइन थीटा बराबर लंब बटा, अभी जो सवाल बनाया जस्ट उसके पीछे वाला सवाल है सेम टू सेम, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण का मतलब लंब जो ये है कर्ण ये है, तो आपने लिखेंगे ए सी बटा ए बी, देख लीजिए ए सी बटा ए बी, तो ए सी का मान आपका 1 और ए बी का मान आपका हो जाएगा रूट 10, हो जाएगा आंसर। रूट दूसरा सवाल लेंगे, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है आधार बटा कर्ण, आधार का मान ये होगा आपका बी सी, कर्ण का मान ए बी, तो ये आपका कितना होगा 3/√10 और ये आपका हो जाएगा आंसर, ये भी आपका आंसर। 3 नंबर सवाल देखते हैं, टेन थीटा और क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब का मान ए सी बटा बी सी, ए सी का मान 1, इसका मान 3 और ये हो जाएगा 7। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग चाहेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। टेन के बाद क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट टेन का उल्टा आधार का लंब, नीचे आधार बटा लंब,
बीसी ऊपर एसी नीचे तीन ऊपर एक भाग करें कितना होगा। पांचवा साइन कॉस टेन कॉट अलाइन सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का आधार बटा कर्ण इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान आपका जो है वो ए बी, इसका मान बी सी, रूट ऊपर जाएगा दस नीचे होगा तीन और ये हो जाएगा। ठीक है उतार लीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं टाइप थ्री में 24 नंबर क्वेश्चन, इसको उतार लीजिए आप। चलिए देखते हैं टाइप थ्री में अब आ जाते हैं। टाइप थ्री में कहता है कि 24 के एक नंबर क्वेश्चन कि यदि टेन ए बराबर रूट थ्री बाई टू है, टेन ए बराबर रूट थ्री बाई टू है तो आपको कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करें। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इतना ईजी है कि मतलब आप तो तुरंत ही बना लेंगे। जैसे यहाँ देखेंगे सॉल्व, लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्या दिया है, टेन ए बराबर रूट थ्री बाई टू। ठीक है हम जब यहाँ पर लिखेगा तुरंत आप क्या कर ट्रायंगल निकाल लेंगे, यहाँ लिख देंगे ए, चलिए यहाँ पे मत लिखिए, यहाँ लिख देंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे। अब ऐसा मत नहीं कि यहाँ ए लिखने नहीं बन पाएगा, यहाँ पे ए लिखेंगे बन जाएगा, यहाँ पे ए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा दो न्यून कोण होता है। ठीक है यहाँ पे थीटा यहाँ है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। चलिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब बटा आधार, हमको निकालना होगा कर्ण। चलिए कर्ण फॉर्म लेते हैं यहाँ पे, कर्ण बराबर अंडर रूट, कर्ण बराबर अंडर रूट आपका होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, कर्ण का मान जो होगा वो ए सी होगा, ए सी बराबर अंडर रूट रूट थ्री का स्क्वायर और ये आपका दो का स्क्वायर। तो रूट स्क्वायर हटा देंगे, बचेगा यहाँ पे तीन प्लस दो का स्क्वायर कितना होगा चार, जोड़ देंगे कितना होगा सात, ये आपका सात हो जाएगा। ठीक है और देखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, प्रश्न से ठीक है कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए का मान निकाल देना। तो साइन ए बराबर क्या होता है, अर्थात साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका कितना है रूट थ्री और कर्ण का मान रूट सात प्लस। ठीक है कॉस ए का मतलब कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण, तो आपका आधार ऊपर दो है और कर्ण कितना है रूट सात। ठीक है रूट रूट का रूट सात का मतलब क्या होगा, रूट सात हो जाएगा क्योंकि यदि किसी भिन्न का हर समान हो तो अंश का मान ज्यों कहते हैं उतर जाता है, ये नियम आपका भिन्न हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा आंसर, उतार लीजिए। चलिए देखते हैं 24 का दो नंबर, चलिए 24 का दो नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखेंगे गिवन क्या दिया है, साइन थीटा बराबर रूट थ्री कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर रूट थ्री कॉस थीटा दिया है तो सॉल्व करेंगे कॉस नीचे से आ जाएगा तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा रूट थ्री, रूट थ्री नीचे क्या मान लेंगे वन मान लीजिए और एक फॉर्मूला लिखाए थे साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा और रूट थ्री बाई क्या होता है वन। ठीक है हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी, यहाँ आपका थीटा और यहाँ पे 90। ठीक है अब इसमें ये देखना है आपको कि इसमें रूट थ्री क्या होगा, तो लंब होगा, नीचे आपका आधार होगा और यहाँ पर क्या होगा कर्ण होगा। तो चलिए करते हैं हम लोग, बहुत ईजी है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है लंब का मान जो है वो क्या है ए बी,
आधार का मान क्या है? बीसी। ए बी का मान कितना होगा? रूट थ्री का स्क्वायर। बी सी का मान एक का स्क्वायर। इसका रूट और स्क्वायर टाइम क्या बचेगा? तीन, और ये हो जाएगा एक। इसका वर्गमूल कितना होगा? चार। वर्गमूल कितना होगा? दो, क्योंकि तीन एक चार, वर्गमूल हो जाएगा दो। यहाँ पे दो हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, चलिए यहाँ पे देखते हैं आपको प्रश्न से। प्रश्न से कहता है, प्रश्न से में सॉरी चले लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कोण। आधार बट्टा कोण माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कोण, रूट थ्री बट्टा दो। किसी भी भिन्न का हर यदि समान हो तो अंश का मान ज्यों का त्यों उतर जाता है। तो दो और वन माइनस क्या होगा? रूट थ्री, और ये आपका हो जाएगा। आप चाहोगे तो अंश परिमेय का तो मतलब निकाल कर इसके और भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसका आंसर यही रखेंगे। चलिए देखते हैं 24 का तीन नंबर, उतार लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग 24 का तीन नंबर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवेन गिवेन में दिया है टेन थीटा बराबर आठ बट्टा पंद्रह, ठीक है। टेन थीटा बराबर दिया है आठ बट्टा पंद्रह। इधर इजी है कि टेन थीटा बराबर लंब बट्टा क्या होता है? आधार होता है। हमने यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी, और यहाँ पर आपका थीटा हो जाएगा। तो सामने वाला लंब हो जाएगा, नीचे आपका क्या होगा? आधार, क्योंकि लंब बट्टा आधार होता है। आपको निकालना क्या होगा? कर्ण। एकदम कर्ण का आपको मतलब फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ये सवाल आपसे नहीं बनने वाले हैं। तो कर्ण बराबर अंडररूट लंब स्क्वायर, अंडररूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब का मान आपका, लंब का मान आपका ए पी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा आठ का स्क्वायर, ये आपका पंद्रह का स्क्वायर। आठ का स्क्वायर चौंसठ, चौंसठ प्लस पंद्रह का स्क्वायर 225। अब इसको जोड़ देंगे तो 289 हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्गमूल होता है कितना? 17। चलिए निकालते हैं हम प्रश्न से। यहाँ दिखाएंगे, देखिएगा प्रश्न से, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है, आधार बट्टा कोण। क्यों कोण का मान कितना आ गया? 17। तो वन प्लस कॉस ये हो जाएगा कितना? कॉस का ना 15 बट्टा कितना होगा जी? 17। ऐसे क्या करेंगे? स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन प्लस पंद्रह का स्क्वायर 225, यहाँ 17 का वर्ग भी यही रहा है तो कितना होगा? 289। एलसीएम ले लेंगे, 289 हो जाएगा। इसका ऊपर जाएगा 289, अब प्लस एक मत कटाएंगे, दो दो पाँच जोड़ देंगे, पाँच नौ पाँच चौदह चार आठ में एक, आठ दो सौ ग्यारह के खाद में एक, दो चार एक पाँच बट्टा कितना होगा? और ये आपका हो जाएगा आंसर जी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, सॉल्व करेंगे यहाँ से। कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, कह रहा है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो एक में कह रहा है वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। दूसरा में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले एक नंबर पा देखते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इतना ईजी क्वेश्चन है कि मतलब समझ लीजिए कि इससे ईजी क्वेश्चन कोई है ही नहीं। वन प्लस कॉस थीटा वन कॉस थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं
कि a माइनस a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको जानना है। सॉल्व करके यहाँ से तो a प्लस बी और a माइनस बी, इसको a माइनस इसको b माइनस इसको a माइनस इसको b माइनस, तो फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा इसका भी ए माइनस को बी मानेंगे तो ए माइनस को बी मानेंगे तो कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूंकि अब यहाँ पर आप जानेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, यदि साइन का मान निकालना होगा तो प्लस में चलेगा तो माइनस में होगा, तो वन कॉस स्क्वायर थीटा, यदि आप कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देख रहे। तो आप इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसके लिए क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अभी दोनों में स्क्वायर कॉमन कर लेंगे आप, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, आइए दोनों का स्क्वायर कर लेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। एक और फॉर्मूला होता है इसका मान है कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया। चलिए अब यहाँ पर कॉट का मान क्या दिया है, तो कॉट का मान दिया 7/8, इसके क्या करेंगे स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है और यह बड़ा हो जाएगा आंसर। चलिए दूसरा को देखते हैं, यहाँ पे दे रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा कॉट का मान दिया 7/8, 7/8 इसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 आठ स्क्वायर 64 और ये आपका हो जाएगा आंसर, उतार लीजिए। चलिए देखते हैं 26 नंबर, ये चलिए 26 का एक नंबर देखते हैं, यहाँ पे गिवेन 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर 4/3 होता है, तो हम इसको ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे ए यहाँ लिखेंगे बी यहाँ लिखेंगे सी, यहाँ थीटा होगा आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा आधार, आधार आपका कितना हो जाएगा ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब और आपका निकालना पड़ेगा ए सी, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं, लिखेंगे कोण बराबर अंडर रूट लॉग स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लॉग का मान आपका कितना है 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा 16, जोड़ेंगे 25 और ये हो जाएगा 6। चलिए हमको लिखता है यहाँ पे चेक डेट, जांच करना है कि क्या एल एच एस एच एस के बराबर है या नहीं, इसको जांच करना है 1 - tan² a / 1 + tan² a = cos² a - sin² a, तो जांच करने के बाद एल एच एस देते हैं, एल एच एस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, 1 - tan² a / 1 + tan² a, 1 - tan का फॉर्मूला होता है तो cos का उल्टा होता है tan, 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, इसका कर देंगे स्क्वायर, 1 + 3/4 इसका करेंगे स्क्वायर, 1 - 3² 9, 4² 16, यहाँ पे 1 + 3² 9 इसका स्क्वायर 16, लघुत्तम लेंगे 16 होगा, ये 16 - 9/ यहाँ भी 16 हो जाएगा, ये 16 + 9 16 गायब हो जाएगा, बचेगा कौन सी घटेगा, तो इसमें से घटेगा कितना हो जाएगा 16 - 9 हो जाएगा, तो हमको लगता है 5 हो जाना चाहिए, 16 - 9 जाएगा तो 7 होना चाहिए, ठीक है। और ये यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना 25 हो जाएगा, ठीक है। ये एल एच एस का मान हो गया, अब हमको निकालना है आर एच एस, आर एच एस का मान cos² a - sin²
कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, 4/5 इसके स्क्वायर कर देंगे, लंब बट्टा कर्ण का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 50 25 लोग तो मिलेंगे 25, 16 - 9 कितना, 7/25। तो क्या ये 7/25, 7/25 के बराबर आ गया। लिख देंगे यहाँ पे एल एच एस बराबर है आर एच एस, एक कैंसिल देंगे कौन सी, हाँ उतार देंगे। चलिए 26, चलिए 26 का दो नंबर और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा है तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और जो भी इसमें त्रुटियाँ होती है, जो भी कुछ भी आप प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट पे ही चेक लिखिए ताकि आप उसका सलूशन कर सकें। ठीक है, चलिए लिखते हैं 26 का दो नंबर। संपूर्ण त्रिभुज ABC लेंगे, संपूर्ण त्रिभुज लेते हैं, क्या लिखेंगे, ए ये होगा, बी 90 डिग्री है, और सी यहाँ पे होगा, तो थीटा आपका इस बार यहाँ पे है। तो कह रहा है कि tan A बराबर कितना, 1। तो जब tan A बराबर 1 है, नीचे भी 1 मान लेंगे, तो tan के सामने लंब होगा तो आधार भी 1 होगा, कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का मान 1 का स्क्वायर, इसका भी 1 का स्क्वायर, 1 + 1 बराबर कितना होगा √2, ये आपका मान हो जाएगा √2। अब आपको क्या करना है, सत्यापित करना है, सत्यापित मतलब होगा प्रूफ, PROV, प्रूफ डेट, प्रूफ डेट क्या सोच करना है, 2 sin A × cos A, 2 × sin A का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, क्योंकि थीटा यहाँ है तो सामने लंबे ना होगा, तो 1/√2 × cos के बराबर आधार बटा कर्ण, 1/√2। ठीक है, 2 × 1 कितना होगा, 1 × 2 = 4 कितना होगा, 2 से 2 कट जाए कितना होगा, हम कैसे करना था बाबू, देखेंगे यहाँ पे, ये आपका LHS था और ये आपका आ गया RHS, यहाँ पे LHS बराबर है RHS प्रूफ। ठीक है, तो इस वीडियो को हम अंत करते हैं, कल मिलेंगे पार्ट 6 वीडियो में, और 26 के दूसरा से आगे अर्थात 27वां नंबर सवाल को लेके। तो आज के लिए बस इतना, और आप लोगों से अनुरोध है, विनती है कि वीडियो को उन बच्चों के पास भी शेयर करें जो लॉकडाउन के वजह से कहीं पढ़ने नहीं जा रहे, तो आप लोग प्रयास बहुत करें कि उन बच्चों को पास ये वीडियो जाए और वो बच्चे पढ़कर अपने जो क्लास 10th की मैट्रिक का पेपर है वो आसानी से निकाल सकें। ठीक है, धन्यवाद।